पाक भारत तजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 30 जून 2021 तक भारत से कपास दरामद करने की मंजूरी दे दी। निजी शोबे को भारत से चीनी दरामद करने की भी इजाजत। जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन के बेटे और दामाद पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। एफआईए का इल्जाम। जहांगीर तरीन का कहना है कि एफआईए के इल्जाम बेबुनियाद हैं। निजी ऑडिट फॉर्म कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करा दे चुकी। तमाम शेयर कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। सिंध हाई कोर्ट ने सख्त गजीदगी केस में मुअत्तल एमपीए फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की असेंबली रुकनियत बहाल कर दी। दौरान समाज जजेस को धमकियां मिलने का इंकशाफ। जस्टिस आफताब ने कहा कि एक मिनिस्टर कहता है कि जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। मैं लाड़काना से रोज गुजरता हूं, मुझे रॉकेट लॉन्चर लगाओ। हुकूमती वुजरा हमें धमकाने के बजाय खुद काम करें। अब किसी भी बंदे को कुत्ते ने काटा तो नुकसान भरने के लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने पर ना मानने पर मुत्तफिक। ज़राए का दावा। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दीगर जमातों से जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर सबको मायूस किया। हुकूमती एमा पर नैब का यकतरफा इंतकाम जारी है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। नैब अफसरान कहते हैं हम मजबूर हैं। एंटी करप्शन और एफआईए में भी यही होता रहा है। हुकूमत के पास कोई फलाही पॉलिसी नहीं। राणा सनाउल्ला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगु। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी शराय नमू जनूबी एशिया में कम तरीन है। 2020 में 20 लाख लोग खतरे अफलास से नीचे गए। शरी रहमान का ट्वीट। कहा पीटीआई ने चीनी स्कैंडल में कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। आला अदालतों में जजेस की तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील के लिए काम जारी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कमेटी के लिए फारूक नाइक और आजम नजीर तारड़ के नाम सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दिए। ऑडिटर जनरल ने गुज़श्ता बरस के पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ओग्रा को करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हुकूमती अहकामात पर कम से कम स्टॉक रखने की पाबंद है। ओग्रा की कमजोरी और नाकामी से मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। एक लाख 55 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार कराई जा चुकी। 403 मुकदमा दर्ज कराए जा चुके हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। का हुकूमत अवामी मफाद के लिए सरगर्म है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। रमजानुल मुबारक में एसओपीस पर चलते हुए मुल्क में मस्जिद खुली रहेंगी, नमाज तरावी भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।